चर्चा करेंगे बफर की। हम लोग जानते हैं नॉर्मल सॉल्यूशंस में अगर चुटकी भर एसिड या बेस डाला जाए तो उनकी पीएच में एक लार्ज फ्लक्चुएशन होता है। तो हम लोगों ने कुछ ऐसे सॉल्यूशन बनाए जो चुटकी भर एसिड और बेस को खा जाते हैं और अपनी पीएच पर रत्ती मात्र भी चेंज होने नहीं देते। ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे स्पेशल सॉल्यूशंस को हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। द वेरी पॉपुलर एग्जांपल इज आवर ब्लड व्हिच इज अ बफर सॉल्यूशन, पीएच अराउंड 7.42। अगर आप इनमें थोड़ा बहुत एसिड या बेस डालते भी हैं तो उसको खा जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट टू बी जेन्युइन, अगर वास्तविकता की बात करें तो फर्क तो पड़ता है, लेकिन वो फर्क इतना छोटा होता है कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। डाइल्यूट करने पर तो रत्ती मात्र फर्क नहीं पड़ता है, बाल भर फर्क भी नहीं पड़ता है। वो हमें एक्सप्लेन कभी करना था, आज करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई बफर को दो तरीके से बना सकते हैं। पहला था हैविंग वन कंपाउंड। दो एग्जांपल बताए, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस और जिटर आयन, डाइपोलर आयन, इंटरनल सॉल्ट बाय अमीनो एसिड। हम लोगों ने देखा कि बफर के अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों पोर्शन होते हैं। एसिड को डालते हो तो बेस खा लेता है, और बेस को डालते हो तो उपस्थित एसिड खा लेता है और पीएच को मेंटेन रखता। हम लोगों ने फिर देखा ऐसे बफर जिनके अंदर दो कंपाउंड होते हैं, इनके भी दो एग्जांपल बताए थे, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। इनको बनाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, वीक पार्ट ले लो प्लस उसका सॉल्ट डालो विद स्ट्रॉन्ग काउंटर पार्ट। जैसे वीक एसिड में सॉल्ट डाल दिया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, एसिडिक बफर। वीक बेस में सॉल्ट डाल दिया स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, बेसिक बफर। एसिडिक बफर की पीएच 7 से कम, बेसिक बफर की पीएच 7 से ज्यादा। अच्छा भाई, इसके बाद मैंने बहुत सारे आपको एग्जांपल कराए थे, तमाम एग्जांपल कराए थे। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये दे दूं और इसमें मैंने ये सॉल्ट डाला, मैंने पूछा क्या ये बफर है, उत्तर आया नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड या वीक बेस होना चाहिए अलोंग विद इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग काउंटर पार्ट। तो आपने जब किसी को स्ट्रॉन्ग ले लिया तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, ये बफर का फॉर्मेशन नहीं करेगा। लेकिन अगर इसके स्थान पर हम कमजोर वाला ले लेते तो आप बफर बन जाएगा। आए कमजोर वाला ले लिया, कमजोर वाला ले लिया तो कह दो गुरुजी कमजोर वाला तो ले लिया, लेकिन जो सॉल्ट डाले हो वो वीक बेस के साथ डाले हो, सॉल्ट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, इसलिए ये भी क्या हो गया, ये तो लिखी गलत है, NO2 होगा। क्लियर बेटा बात? और बहुत सारे केस कराए थे मैंने, ये ले लिया रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, वीक एसिड माना जाएगा और इसका कंजुगेट बेस डाल दिया, ये भी बफर होगा। हमारे ब्लड का बफर क्या होता है, H2CO3+HCO3-। क्लियर है? बेसिक बफर बनाना भी हम लोग सीख गए थे। आज हम लोग को चर्चा करनी थी, हैडिंग मैंने लास्ट क्लास डलवा दी थी पीएच कैलकुलेशन। देखिए लास्ट ईयर मैंने ऑनलाइन पढ़ाया था, मैंने सब डिराइव करके दिखाया था, आवश्यकता कुछ भी नहीं, नो नीड टू डेरिवेशन। आइए जो इंपॉर्टेंट चीज है हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या इंपॉर्टेंट है देखिए, अगर बात करें अपन एसिडिक बफर की, बच्चों एसिडिक बफर की पीएच हम निकालने जा रहे हैं, जैसा मैं देखिए समझाने के लिए एग्जांपल ले लिया, वीक एसिड है मान लीजिए, मोलैरिटी है M1 और इसमें इसका कंजुगेट बेस डाल दिया मान लीजिए M, एसिडिक बफर बच्चों बन गया। अच्छा, तो एसिडिक बफर की पीएच का डायरेक्ट फार्मूला बच्चों है पीएच बराबर पीकेए प्लस लॉग कंजुगेट बेस की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। डायरेक्ट मेरा फॉर्मूला होता है, मैं यहां तक पहुंचने में मुझे 5 सेकंड लगेंगे लेकिन यूज कोई नहीं है इसलिए मैं करना नहीं चाहता। तो पीएच ऑफ एसिडिक बफर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला पीकेए प्लस लॉग कंजुगेट बेस की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। ओके, सुनना बच्चों,
करते हैं हम लोग कंजुगेट बेस ना लिखकर उसका सॉल्ट लिख देते हैं। अब फिर समझना, देखिए जेनुइन फार्मूला तो ये होता है, अगर आपका सॉल्ट 1:1 टाइप हुआ तो जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन होगी वही कंजुगेट बेस की कंसंट्रेशन होगी। इसलिए आप यहां पर कंजुगेट बेस की कंसंट्रेशन के स्थान पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन है दिस सॉल्ट मस्ट बी 1:1। यस, ये ध्यान रखिए। कुछ ऐसा ही समझाया था इन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, वहां पर जो कंसंट्रेशन सी होती थी वो उस आयन की होती थी जिसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, लेकिन अगर सॉल्ट 1:1 टाइप का है तो जो सॉल्ट की होगी वही उस आयन की भी होगी। क्लियर? तो ध्यान रखना बच्चों, अक्सर जगह जगह पे आपको लिखा मिलता है लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, तो अगर सॉल्ट अपॉन एसिड लिखा मिल रहा है तो अंडरस्टूड है कि वो सॉल्ट क्या होगा, 1:1। ठीक है, अच्छा सुनो बेटा, इस इक्वेशन को बच्चों कहते हैं हिंडरसन हैसल बैच इक्वेशन। इसे बच्चों कहते हैं हिंडरसन हैसल बैच इक्वेशन। ठीक है, जब तक लिख रहे हैं ठीक है, बोलिए पीएच इज इक्वल टू PKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। अगर सॉल्ट बोल रहे हो तो 1:1 आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज अच्छा रहेगा आप कंजुगेट बेस बोले। ठीक है, अच्छा सुनना बेटा, K तो मतलब समझ गए होगे, जो वीक एसिड है उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट है K। बेटा गेट बंद कर दो, धूप सी आ रही है। ठीक है, अच्छा अब सुनना बेटा, कभी कभी एग्जामिनर इन एसिडिक बफर की पीएच पूछते हैं, आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, डायरेक्ट आंसर आएगा। और कभी कभी बोलो क्या करते हैं, H प्लस की कंसंट्रेशन पूछते हैं, तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप पीएच निकाल लीजिए और पीएच को 10 की नेगेटिव पावर में चढ़ा दीजिए तो आपका H प्लस आ जाएगा। लंबा काम हो गया, पहले पीएच निकाल लो फिर 10 की नेगेटिव पावर में चढ़ाओ। शॉर्टकट फार्मूला सामने देखिए कैसे याद करा, देखो जब H प्लस की कंसंट्रेशन निकालनी हो, क्या निकाल ली हो, सुनना, पी हट गया, पी हट गया, इधर से लॉग हट गया। ठीक, अच्छा जब H प्लस की कंसंट्रेशन निकालने कुछ मत करना, प्लस को कर देना इनटू, दैट इज H प्लस की कंसंट्रेशन बराबर अपॉन, चाहे बोलो सॉल्ट की अगर 1:1 है और ज्यादा अच्छा बोलो कंजुगेट बेस। ये देखिए बच्चों डायरेक्ट आपको H प्लस की कंसंट्रेशन मिलेगी। आपने हमारे अंदर एक चीज नोटिस करी होगी, तब डिटेल में पढ़ाते हैं लेकिन जहां पे डिटेलिंग की जरूरत नहीं होती तो फिर वहां पे याद भी करवाते हैं, याद करना है ज्यादा बेटर है कि आप इसको याद करें। यह कंपटीशन है हुजूर, आपको वो रास्ते अडॉप्ट करने हैं जहां से ना सिर्फ आपका समय बचे बल्कि आपकी कॉन्सेप्ट भी बेहतरीन हो। इसके डेरिवेशन कराकर कॉन्सेप्ट बेहतरीन नहीं होने वाले हैं, लेकिन हां इसको याद कराकर आपके समय जरूर बचने वाला है। तो जैसा देश वैसा बेस। ठीक है, तो हिंडरसन हैसल बैच इक्वेशन बच्चों रटी होनी चाहिए, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। जब जब मैं सॉल्ट बोलूं दिमाग में 1:1 आना, नहीं तो उसकी जगह बोलिए कंजुगेट। अगर आपको एच प्लस निकालना है कुछ मत करो, प्लस बदल गया मल्टीपल में, इसको तुमने पलटा दिया, खत्म करने बाद। सुनो बेटा, ये तो बात होगी एसिडिक बफर की, यहां पर क्या रख दोगे कंसंट्रेशन, फॉर एग्जाम्पल एसिड की कंसंट्रेशन क्या रख दोगे यहां पर M1 बोले यार, और कंजुगेट बेस की क्या रख दोगे, खत्म होगी बात, खत्म, सीधा आंसर। अच्छा अब मान लीजिए बच्चों बेसिक बफर है तो भी कोई दिक्कत नहीं, एसिडिक बफर में एसिड वीक होगा तो पीके ए आएगा, बेसिक बफर में बेस वीक होगा पीके बी आएगा, एसिडिक बफर में डायरेक्ट पीएच निकल के आएगा, बेसिक बफर में डायरेक्ट पीओएच निकल के आएगा, बाकी सब कुछ क्या होगा सेम। हाँ, यहां कंजुगेट बेस है वहां कंजुगेट एसिड होगा, दैट्स इट, राइट। तो अगर एसिडिक बफर को लिख लिया तो मैं हटाऊं, हटाओ बच्चों, अच्छा लिखे हटाएंगे नहीं, एक दूसरा पेज लिख के आएंगे।
हटाते नहीं है, एक चीज कंपेरेटिव स्टडी कराएंगे एक चीज की। बेसिक बफर समझाने के लिए मैंने कोई बेसिक बफर ले लिया, वीक बेस ले लिया प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। आप देखिए 1:1 सॉल्ट है तो जो कंसंट्रेशन सॉल्ट की होगी वही कंजुगेट एसिड की होगी। देखो बेटा हमारा काम होता है बच्चों को वास्तविकता बताना। अब वो अलग बात है कि तुम 100 क्वेश्चन लगाओगे तो 100 में 100 क्वेश्चन में सॉल्ट बेटा 1:1 ही होता। और बताओ वो जबरदस्ती के क्वेश्चन होते हैं जो टफ किताबों में जो ऑथर होता है वो बना के डाल देता है। सॉल्ट 1:1 के स्थान पे 1:2 ले लिया। अदरवाइज अगर मैं अपने एग्जाम की बात करूं, नीट की बात करूं, मैं एम्स की बात करूं, आईआईटी बना दूं, तो इन एग्जाम से मैं सॉल्ट बेटा 100 में 100 क्वेश्चनों में 1:1 ही होते हैं। चाहे फिर वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चन तो चाहे फिर वो बफर के क्वेश्चन। इसीलिए जो हम लोग की 12th स्टैंडर्ड की बुक्स होती है वहां पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं कंजुगेट बेस पर, वहां पे सॉल्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन मेरा काम आपको बताना था एग्जाम एक ऐसा ऊंट है कैमल जो किस करवट बैठेगा किसी को पता नहीं होता है। कभी सारा पेपर इतना सरल आ गया 2020 और 2016 इतना कठिन आ गया कि तोते उड़ गए नीट के पेपर। जिस साल आया था जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ट्रांस इफेक्ट, जिस साल आया था एरिथ्रोथ्रियो 2016 में आया था, ये सब तोते उड़ गए। तो ये कंपटीशन है, ये एक ऐसा कैमल है, ऊंट के बारे में कहावत कही जाती है ऊंट किस करवट बैठेगा किसी को पता नहीं। तो एक कंपटीशन के छात्र को जेन्युइन चीजें मालूम होनी चाहिए, ठीक है? अब सुनना, अब नया क्या है देखिएगा। इसके पहले मैंने एसिडिक बफर कराया था तो वहां पे मैंने एसिड और उसके सॉल्ट का कंसंट्रेशन लिया था। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं कंसंट्रेशन के साथ साथ उनके वॉल्यूम भी ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? वॉल्यूम। कि हमने M1 मोलर V1 ml इस बेस को M2 मोलर V2 ml इस सॉल्ट के साथ डाला। बताइए पीएच क्या होगी? इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि हिंडरसन हेसलबैच इक्वेशन बनेगी। पीएच की जगह आ जाएगा पीओएच, पीकेए की जगह आ जाएगा पीकेबी प्लस लॉग। चाहे लिखो सॉल्ट और चाहे लिखो कंजुगेट एसिड अपॉन बेस की कंसर्न है, कोई दिक्कत नहीं भाई। अच्छा भाई दिक्कत तो कोई नहीं है। अब सुनना, मैं आपको बताना चाहूंगा अगर 1:1 है तो कंजुगेट एसिड बोलो या सॉल्ट बोलो वो एक ही बात होती है, ठीक है? अच्छा भाई अब हम लोग चाहे तो जैसे H+ की कंसंट्रेशन निकाली वैसे डायरेक्ट OH आयन की भी निकाल सकते। बनाइए फार्मूला, बनाइए KB इंटू बेस की कंसंट्रेशन अपॉन चाहे सॉल्ट बोलो चाहे कंजुगेट बेस बोलो। सॉरी ऐसे ना, ठीक है ठीक, सही कर जो चाहो वो आप इस्तेमाल कर सकते, ठीक है? अच्छा भाई, अच्छा ठीक है। इसे ही बच्चों कहते हैं हिंडरसन हेसलबैच इक्वेशन। अच्छा आपसे तो पीएच पूछी गई थी, आपने तो पीओएच निकाल लिया, आगे की बात आपको मालूम ही है। इस पीओएच को 14 में से घटा देंगे तो हमारी पीएच आ जाएगी भाई, ये भी सबको मालूम है। सवाल ये है गुरुजी नया क्या है इसमें, वो देखिए बस नया देखिए क्या है। बफर के केस में अगर वीक पार्ट और उसके सॉल्ट का सिर्फ कंसंट्रेशन दिया है तो तुम वो रख दो जैसा कि मैंने इसमें किया था। ये देखिए सिर्फ कंसंट्रेशन दिया गया था, मैंने डायरेक्ट उठा के क्या रख दिया, कंसंट्रेशन रख दिया। लेकिन अगर बच्चों कंसंट्रेशन के साथ वॉल्यूम भी दिया जाए तो ध्यान रखिएगा हम वहां पे उनकी कंसंट्रेशन नहीं रखते हैं बल्कि उनके मोल्स रखते हैं। क्या रखते हैं? वॉल्यूम लीटर में है तो मोल बोल देना, वॉल्यूम एमएल में है तो मिली मोल बोल देना। जैसे अब तो बेस की जगह पर M1 नहीं रख सकते, अब आप बेस की जगह पर रखोगे M1V1, पर M2 नहीं रख सकते तुम इसकी जगह पर रखोगे M2V2। बोलो हाँ या ना। अच्छा मैं चाहूं इतना बोल के आगे बढ़ सकता हूं तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, लेकिन वही ना कीड़े हमारे अंदर है चीजों को समझाने के कि गुरुजी तुम तो बड़ा ब्रैकेट लगाए हो। अब बड़ा ब्रैकेट का मतलब तो हमेशा कंसंट्रेशन से होता है, दैट इज मोलैरिटी। फिर सर आखिरकार अब मोलैरिटी की जगह पर मोल्स क्यों रख रहे हैं?
आप मोलैरिटी की जगह पर मिली मोल्स क्यों रख रहे हैं? ये गुनाह आप क्यों कर रहे हैं? तो बच्चों, तुम तंग की आंखों से देख रहे हो, इसलिए तुम्हें ये मोल्स दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे तो अभी भी ये कंसंट्रेशन ही दिखाई पड़ रही है। आप सोच रहे हो सर ऐसा कैसे हो गया, एम इंटू वी तो मोल्स होता है। आइए हम आपको दिखाएं, देख लेना एक्चुअली क्या हुआ। जब आपने एम वन मोलर वी वन एम एल इसको और एम टू मोलर वी टू एम एल इसको एक बर्तन में डाला, तो बर्तन का कुल वॉल्यूम कितना हो गया? V1 plus V2. According to, आप इसी चैप्टर में भी पढ़ाया है मैंने आपको, और वॉल्यूमेट्रिक से भी मालूम है कि after dilution, the new concentration can be calculated by this formula. M2 is equal to M1 V1 upon V2. Right or wrong? देखिए, जब आप इन दोनों को मिलाएंगे, तो मिलाने के बाद जो मिक्सचर होगा, उस मिक्सचर में देखिए जरा, इसकी नई कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? मान लो M1 dash हो गई, ठीक है? देखना, M1 dash बराबर M1 V1 अपॉन टोटल वॉल्यूम, क्लियर? दिस इज द न्यू कंसंट्रेशन ऑफ बेस जो आप यहां पे रखेंगे, ठीक। और मिलाने के बाद देखिए सॉल्ट की नई कंसंट्रेशन क्या हो गई, मान लीजिए M2 डैश बराबर इनिशियल कंसंट्रेशन इनटू सॉल्ट के स्थान पर एक्चुअली में आपने इसको रखा होगा। जब दोनों को रखोगे तो इस वैल्यू से ये वैल्यू कट जाएगी, ऊपर बचेगा M1 V1, नीचे बचेगा M2। तो रखा बेटा मैंने कंसंट्रेशन ही था, वो तो टोटल वॉल्यूम से टोटल वॉल्यूम कैंसल हो गया, तो आपको मोल्स दिखाई पड़ने लगे। एम आई राइट और रॉन्ग? लॉजिक में समझ में आ रहा है कि यहां पे मोल्स क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? चलिए, हमने आपको एक्सप्लेन किया वो अलग बात है, लेकिन आप ये हमेशा ध्यान रखिए, अगर सिर्फ कंसंट्रेशन दी है तो डायरेक्ट रख दो, लेकिन कंसंट्रेशन के साथ अगर वॉल्यूम भी दिया है तो कंसंट्रेशन नहीं रखोगे, मोल्स रखोगे। क्या रखोगे आप? ऐसे याद रखिए, हमने समझाया एक्सप्लेन करके, वो अलग बात है। आप ऐसे याद रखेंगे, सिर्फ कंसंट्रेशन दी है तो वो रख दीजिए, उसके साथ वॉल्यूम भी अगर दिया हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके रखेंगे। किसी बच्चों को संदेह कोई? चलिए लिख लीजिए, हिंडरसन हेसलबैच इक्वेशन इसको भी कहते हैं बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए, अब जब बेटा पीएच कैलकुलेशन करना बच्चों को सिखा देते हैं तो यहां पर बेटा एक क्वेश्चन आता है, देखिए, फॉर बेस्ट बफरिंग एक्शन, इसी में सिखाएंगे आपको। देखिए सब लोग क्या है, आइए बच्चों इसको हटा दे। पीएच निकालना आप लोग बफर की सीख गए हैं, कोई भी क्वेश्चन लगा लीजिएगा इसी से। फॉर बेस्ट बफरिंग एक्शन, सुनिए बेटा, देखिए सबसे पहले शब्द को समझिए, ये बेस्ट बफरिंग एक्शन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि भाई आपने बफर मिलाया बनाया वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट या वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट बफर बनाया, ये बफर किस कंडीशन पर अपना सबसे अच्छा काम करेगा? दिस इज द सेंटेंस, फॉर बेस्ट बफरिंग एक्शन। वो क्या कंडीशन है जिस पर अगर हम किसी बफर को बनाए तो बहुत सुपीरियर क्वालिटी का बफर बने? तो सुनो, वो कंडीशन है एट हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। वो कंडीशन है एट हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, मतलब क्या होता है इस हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट का, तो वो और देख लीजिए। हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट का बच्चों मतलब है अगर एसिडिक बफर आपके पास है तो हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट का मतलब है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बिकम इक्वल टू सॉल्ट, चाहे सॉल्ट बोलो चाहे कंजुगेट बेस बोलो, बार बार हमसे मत बोलो, समझ तो गए होगे अब तक, नहीं समझे अभी तक? अच्छा, तो हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट का मतलब है अगर एसिडिक बफर है तो व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, और जब ये बेसिक बफर है
तो व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बेस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, इस पॉइंट को कहते हैं हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। ठीक है बच्चों, सामने देखिए, सामने देखिए। एसिडिक बफर के लिए लिखना नहीं है, समझाने के लिए हिंडरसन हैसलबैच इक्वेशन ये होता है, ये होता है बच्चों। अब देखो हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पर जब एसिड और सॉल्ट की कंसंट्रेशन बराबर हो गई, ये वैल्यू कट गई, कितना बचा वन, लॉग वन जीरो, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, मतलब पीएच बराबर। हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पर पीएच बराबर होता है पीकेए, अगर एसिडिक बफर है, और अगर बेसिक बफर है तो पीओएच बराबर होता है पीके। दिस इज कॉल्ड हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट फॉर बेस्ट बफरिंग एक्शन, राइट? ओके, चल ये समझाने के लिए बताया था, है ना, कि जब सॉल्ट और एसिड बराबर हो जाएंगे तो पीएच बराबर पीके आएगा, और जब सॉल्ट और बेस बराबर हो जाएंगे तो पीओएच बराबर पीके भी आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। चल आगे बढ़ते हैं भाई, किस्ट से आप लोगों ने हमसे पढ़ा व्हाट इज द हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। एसिडिक बफर होगा तो एसिड और सॉल्ट का कंसंट्रेशन बराबर होगा, पीएच बराबर पीके होगा। बेसिक बफर होगा तो बेस और सॉल्ट का कंसंट्रेशन बराबर होगा, पीओएच बराबर पीके भी होगा। ठीक, अच्छा, अब इस हेडिंग बफर सॉल्यूशन में एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, दैट इज बफर कैपेसिटी। चलिए उसको देख लेते हैं। Perfecto.